पांच वृक्ष काटने से पहले जरा विचार करिएगा। पांच वृक्ष, पहले नंबर का है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है वट वृक्ष, चौथे नंबर पर है शमी वृक्ष और पांचवें नंबर पर है आंवले का वृक्ष। ये पांच वृक्ष ऐसे हैं जिनको काटने का, जिनको निकालने का तरीका भी हम पूर्व में जो कथाएं 2018 की 2019 की जो कथाएं आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम से सुनी होगी कोरोना महामारी में, उसमें हमने इसका तरीका भी बताया है कि आपको बेलपत्री का वृक्ष कैसे निकाल देना चाहिए। अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना है तो उसको किस तरह से काटना चाहिए, आपको बट का वृक्ष काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, शमी का वृक्ष आंवले का वृक्ष यदि आपको काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, ये सारा तरीका हमने 2018 की 2019 की कथाओं में वर्णन किया। YouTube पे डली होंगी कथाएं, आप उसमें सुन सकते। पांच वृक्ष को काटने से पहले, पांच वृक्ष को निकालने से पहले विचार करना चाहिए। घर का गंदा पानी, घर का बेकार जल अगर पीपल के वृक्ष में जा रहा है, बेलपत्री के वृक्ष में जा रहा है, वट वृक्ष में जा रहा है, आंवले के वृक्ष में जा रहा है, शमी के वृक्ष में जा रहा है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है। यहां तक शुमहापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृ दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता, नीचे की ओर गिरता। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की पांच लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की पांच लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा है। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा, तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है,
यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे तीन दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृ दोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये तीन दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा, शिव अंक को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल तीन दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर बोलबम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी, जलाधारी में से पानी बहता है नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु बहुत। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृ दोष हो गया, कि काल सर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप वो दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप दिल से उसको रिझा,